गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6, अ पॉड ऑफ माई ओन. लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. मॉम टोल्ड मी दैट पॉड्स आर मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिंस दे आर बैटरी पावर्ड. दे आर ऑल्सो वेरी एफिशियंट इवन विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. They are quite fast because they don't get stuck in the traffic jams. Once an ultra pod departs from its station of origin, it does not stop until it reaches its destination. मम्मी ने मुझे बताया कि जो पॉड्स है बहुत environment friendly है, मतलब धुआं नहीं छोड़ते, बहुत कोई pollution नहीं छोड़ते, इसलिए वो environment friendly है और वो battery charged है और बहुत efficient है. और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की है और बहुत तेज चलते हैं और ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते. अल्ट्रा पॉड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन फ्रॉम इट्स स्टेशन ऑफ ओरिजिन इट डज नॉट स्टॉप अंटिल इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन. जब वो एक बार ही अपने स्टेशन से चल पड़ती हैं तो रस्ते में कहीं नहीं रुकती, बस सीधा जाके अपने मंजिल अपने डेस्टिनेशन पर ही जाके रुकती हैं. इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज This makes an ultra pod considerably faster than the private cars and much faster than most buses. Mom also told me that she had read in the newspapers that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of transport. Mama ne mere ko bataya ki India mein bhi New Delhi aur Amritsar mein do first two cities hongi jahan pe is tarah ka transport aayega. Many other pods passed by. Pods travel on an elevated tracks. Elevated होता है थोड़े से ऊपर उठे हुए tracks, मतलब road से थोड़े से ऊपर उठे हुए, जैसे कि you can see railway tracks. Elevated tracks in some places and on the level ground in others. Since they are computer driven, so chances of an accident are less. बहुत सारे पॉड्स वहां से गुजरे और जो पॉड्स थे वो एलिवेटेड ट्रैक, मतलब थोड़े से ऊंचे उठे हुए थे, लेवल ग्राउंड से ऊंचे से उठे हुए थे कुछ प्लेसेस में और कुछ जगह पे तो लेवल ग्राउंड पे ही थे. और ये कंप्यूटर ड्राइवन होते हैं, कंप्यूटर इन्हें चलाता है, इसलिए इसके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं. सो इट सीम्स दैट द कंप्यूटर आर गोइंग टू ड्राइव कार्स, ड्राइवरलेस कार्स एंड द ट्रेन्स मे हैपन इन द फ्यूचर. और इस तरह लग रहा है जैसा कंप्यूटर ही अब कार्स को ड्राइव करेंगी, और किसके साथ, ड्राइवरलेस कार्स होंगी और जो ट्रेन्स, ड्राइवरलेस कार्स और ट्रेन्स होंगी फ्यूचर में, इस तरह का कुछ भी ट्रांसपोर्ट आना पॉसिबिलिटी है इसकी. आई ओनली विश्ड आई कुड बाय अ पॉड ऑफ आरसेल्स, हु नोज मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर आई विल. बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम सारे अपने ही इस तरह का एक अपना पर्सनल पॉड खरीद लें, क्या पता फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है. लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स. हैचबैक, हैविंग अ स्लोपिंग बैक डोर दैट ओपन्स व्हेन लिफ्टेड. इसका जो बैक, जब उसको ऊपर उठाते हैं तो उसका जो बैक डोर होता है वो बहुत स्लोपिंग होता है, स्लांटिंग होता है, नीचे को ढला हुआ. एबलोंग, लॉन्ग एंड नैरो, लंबा और तंग. प्राइवेसी, फ्रीडम टू डू थिंग्स विदाउट बींग अब्सॉर्ब. अपनी फ्रीडम, कुछ भी हम कर सकते हैं. प्राइवेसी वो होती है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं कि हमें कोई देख नहीं पा रहा, जैसे हमारे घर में अपनी प्राइवेसी होती है, कोई बाहर वाला बंदा हमें आके नहीं देखता. सिमर डाउन, काम डाउन, शांत रहना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट देन बी रेडी विद द क्वेश्चन आंसर्स.